नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सब शांति बनाए रखें और आराम से पीछे जीरा होते रहे। ईदगाह वाली मस्जिद के इमाम तबारक हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो मंच पर चले आए। साथ ही साथ आसनसोल इतराब के जितने भी आइमे मसाजिद के इमाम साहब हैं, आइमे मसाजिद व उलमाए कराम हैं, उन तमाम लोगों से भी मोतबर शख्सियत से भी गुजारिश है कि वो लोग मंच पर चले आए। साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तमाम लोग मंच पर भीड़ ना लगाए भाई। बहुत सारे लोग से गुजारिश है कि वो मंच पर भीड़ ना लगाए। काफी बड़ी तादाद में सुमरपुर और आसपास के अंचल से आने वाले लोग, साथ ही साथ रेल पार के एरिया से आने वाले लोग काफी तादाद में इस जलसागार में हाजिर हो रहे हैं। हमारे नौजवान वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि वो सामने के जाने जो लोग खड़े हैं उनको बैठाने की कोशिश करें। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी घर की बच्चियां, हमारी घर के औरतें जो लगातार धरना मंच की जानिब से वॉलंटियर हजरात काम दे रही है, वो लोग बखूबी अपनी काम को अंजाम दे रही है, लेकिन हमारे नौजवान साथी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। लिहाजा वो तमाम नौजवान साथी और हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े खड़े एक नारा मीडिया में यहाँ पर मौजूद, इसीलिए मैं मीडिया को ये नारा वो सवाल कर रहे थे अभी मुस्लिम भाई से, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। पूरी आवाम, पूरे हिंदुस्तानी, इन्होंने 2002 में गुजरात जलाने के बाद 2020 में दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान को जो जलाने की साजिश है मगरबी बंगाल के इस पाक सरजमीन आप लोग बैठ जाए, मीडिया को जवाब मिल गया होगा। जहाँ जगह मिल रहा है वही बैठ जाइए, डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, मैनर्स का मुजाहरा कीजिए और खामोशी के साथ बात को सुनिए। हम आज यहाँ जमा हुए हैं कि हम एक मैसेज रख सके, इस सरकार को हम बता सके कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। लेकिन अगर अफरा तफरी का माहौल रहेगा, आप बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो सारी मेहनत वेस्ट होनी है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपका कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। भीड़ काफी बड़ी था। हमारे भाई रा, हमारे बहुत ज्येष्ठ मानुष रा उपस्थित हो सबाई के हमारे तरफ थे प्रणाम जानिए तकते जो बसे आछेन हमारे जिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। ভারতবর্ষের রাজধানীর বুকে ওয়েল প্ল্যান, প্রি প্ল্যান, গত চার মাস ধরে প্ল্যান করে আয়ে হুয়ে হ্যায়, ইতনি তায়ে তমারি শাহিন বাগ রাতা তো আর খুব গুঞ্জতি আজ। আর মে कुछ बोलना चाहती हूँ हमारे इमाम, हमारे मुसलमानी भाइयों और हमारी माताएं एवं बहनों बहुत तकलीफ में हैं। जिस तरीके से एक दिल्ली में अमित शाह
और मोदी, तो मैं एक किन्नर हूँ। माता एवं बहनों की कह देती हूँ कि हम ये बिल कभी पास होने नहीं दूंगी। मैं मरते दम तक पास नहीं होने दूंगी। यहाँ कहे बैठ गया, यहाँ कहे बैठ गया। माता एवं बहनों, मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ हमारे भाइयों एवं माता बहनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम मिलके रहेंगे तो एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, इसलिए लागू होने नहीं देंगे कि हमारे मुल्क में कितने माँ बहने क्यों शामिल हुए हैं। एनआरसी, हमने एनआरसी और सीए और एनपीआर के प्रोसेस में अभी सब आज रैली निकाले हैं। अच्छा, यहाँ पे तो पहले रैली निकलने की बात थी, तो फिर यहाँ पे जलसा का सभा क्यों किया गया? क्योंकि प्रशासन ने मेरे साथ नहीं दिया, क्योंकि रैली में बहुत ज्यादा मजमा हो गया था, इस वजह से प्रशासन जो है प्रोटेस्ट नहीं दे सकती थी, क्योंकि शाहीन बाग का भी बहुत सारा मसला है, इस वजह से इजाजत नहीं मिला। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने छोटा सा जलसा किया, जितनी भी आबादी हुई है हम लोग की। यहाँ पे तकरीबन कितनी आबादी देखी जा रही है? यहाँ तकरीबन आप देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन 10,000 की या 15,000 की लगभग आबादी होगी। आपका नाम क्या हुआ जी? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिजवान है। आप लोग कहाँ के रहने वाले? महाजी नगर रेल पर रहने वाले हैं। धन्यवाद सर। आज आप लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम लोग सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 1 मार्च को हम इस सब कोलकाता में आए हैं और हम लोग आसनसोल से उनको एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो सीए काला कानून, इसको वापस कीजिए और एनआरसी का जो फर्स्ट स्टेप एनपीआर है उसको बिल्कुल भी लागू किया ना जाए इंडिया के किसी भी क्षेत्र में। सीए से क्या प्रॉब्लम है आप लोग? सीए से हम लोग प्रॉब्लम है, बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा है कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि असम एनआरसी में उन लोग ने फेल हो गए, तो उन्होंने देखा था कि हम लोग मुस्लिम बंगाली मुस्लिम को असम से निकाले एनआरसी से, लेकिन उसका उल्टा हो गया। 15 लाख हिंदू निकले और फिर 4 लाख मुस्लिम निकले, तो उसके बाद उन्होंने सीए लाए। अब सीए के बाद वो एनआरसी लाएंगे और एनआरसी के बाद वो मुस्लिमों को देश से बाहर करेंगे। जो यहाँ के नागरिक है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जो गरीब है, जिनका घर बाढ़ में बह गया, जिसका घर जल गया, जिसका घर दंगा में खत्म हो गया, लेकिन एनआरसी के विषय में तो केंद्र सरकार ने कहा कि अभी हम लोगों ने इस विषय में कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। मामले में केंद्र सरकार के हमारे, जैसे आप लोगों को पता ही है, मंत्री ने तो कहा है ना कि सीए आएगा, एनआरसी आ रहा है, सिर्फ बंगाल के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए आ रहे हैं, ये बोला था। वो भी सदन में खड़े हो गए, आप बोल दीजिए उनको नहीं सीरियसली ले लो, हम लोग नहीं मानेंगे उनको, वो सदन में खड़े हो गए, उन्होंने ये कहा था कि एनआरसी आएगा सिर्फ बंगाल के नहीं पूरे देश के लिए। और एक चीज है, और एक बात है कि ये जो बोला जा रहा है एनपीआर सेंसस से ये इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों को जो सुविधा दिया जाएंगे उसके लिए पर, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने खुद पढ़ा है, एनआरसी का जो फर्स्ट स्टेप हुआ एनपीआर है, और अगर एनआरसी नहीं होता तो एनपीआर इनवैलिड और इलीगल है, इसी वजह से हम एनपीआर के खिलाफ है। अच्छा, आज यहाँ से रैली निकलने वाली थी, तो रैली क्यों नहीं निकाली गई? जी वो परमिशन की वजह से नहीं निकल पाया, और हमारी सेफ्टी। कौन परमिशन नहीं दिया जी? वो हम लोगों ने अभी बात अभी नहीं आपको बता सकते, लेकिन हम लोग सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने। अच्छा, दिल्ली के माहौल के वजह से कोई खौफ आप लोगों के मजलिस में? खौफ देखिए, खौफ की बात नहीं है, अफवाह यहाँ उड़ा गए, यहाँ पे कुछ सिचुएशन हो गए, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे जिनको नहीं पसंद आया था कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया में ये कहा कि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन रैली कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। और हम लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया से अपने पहचान के लोगों को बताया और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की और हर जगह हम लोग गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा रुबाया। थैंक यू।